हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आप अपने Xiaomi Poco Redmi डिवाइसेस को बिना पीसी के या फिर लैपटॉप आप बूट लोडर इसका अनलॉक कर सकते हो या फिर नहीं। तो पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा क्या आप इसको कर सकते हो बिना पीसी के। चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो YouTube पर ऐसे काफ़ी सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको बताया जाते हैं कि आप जो है बिना पीसी से, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ बूट लोडर अनलॉक। तो बूट लोडर को अनलॉक करके दिखाने के लिए वो वेबसाइट के अंदर जाते हैं, डाउनलोड करते हैं MIUI का Xiaomi का जो ऑफिशियल टूल है बूट लोडर अनलॉक के लिए, वो टूल जो है डाउनलोड करते हैं। फाइल मैनेजर के अंदर वो जाते हैं, फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो फाइल अंदर में कुछ फाइल्स को सेलेक्ट करते हैं और उसको कॉपी या फिर कट करके एंड्रॉयड डेटा या फिर OBB के अंदर कुछ जगह पे पेस्ट कर देता है और आपको बोलता है कि आप जो है फ़ोन को रीस्टार्ट करो और आपका जो बूट लोडर है वो अनलॉक हो जाएगा। और वो लोग यही सेम चीज़ करके दिखा देते हैं, सेटिंग के अंदर जाते हैं अबाउट फ़ोन के अंदर और जो आपका डेवलपर ऑप्शन है उसके अंदर जाके आपको दिखा देते कि देखो मेरा जो बूट लोडर है वो अनलॉक हो चुका है। और वही चीज़ गए जब अपने फ़ोन के अंदर आप करने जाते हो तो यहाँ पर आपका कोई भी ट्रिक काम नहीं करता। आपके फ़ोन के अंदर कहीं भी पेस्ट कर लो, कुछ भी चीज़ पेस्ट कर लो तो आपके फ़ोन के अंदर ये अनलॉक नहीं होता है। तो यही चीज़ मैं आपको सेम बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको जो बूट लोडर है वो फ़ोन से अनलॉक नहीं होगा। आपने कई बार ऐसे वीडियोज़ के अंदर भी देखा होगा और भी कुछ वीडियोज़ के अंदर देखा होगा, यहाँ पर दो फोन जो है यूज़ होते हैं, कुछ ऐसा टूल जो डाउनलोड होता है प्ले स्टोर से या फिर कहीं से भी डाउनलोड करते हैं, दोनों को USB से कनेक्ट कर देते हैं और वहाँ पर आपको बूट लोडर अनलॉक करके दिखाया जाता है। मैं आपको ये बताता हूँ कि वो भी जो है फेक है, वो उसके अंदर से भी आप अपने फ़ोन का जो बूट लोडर उसको अनलॉक नहीं कर पाओगे। तो ऐसे जितने भी वीडियोज़ आपको मिलते हैं यूट्यूब के अंदर सभी आपको फेक मिलते हैं और काफ़ी सारे व्यूज़ भी उसके अंदर आए हुए, 2 से 3 लाख व्यूज़ भी उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप फ़ोन से बूट लोडर को अनलॉक नहीं कर सकते हो, आपको PC चाहिए ही चाहिए बूट लोडर को अनलॉक करने के लिए। सिर्फ Xiaomi का नहीं, किसी भी डिवाइस को बूट लोडर अनलॉक करने के लिए आपको PC यूज़ करना ही होगा। तो बूट लोडर को सेफली अनलॉक करने के लिए आपको PC यूज़ करना होगा। PC यूज़ करने के बाद जो ऑफिशियल टूल है उसको डाउनलोड करना होगा, अनलॉक टूल Xiaomi की या फिर Realme का कोई भी ब्रांड का डिवाइस है उसका टूल डाउनलोड करना होगा। कुछ ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना होगा उन्हें PC के अंदर और वहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद कुछ जो टूल है उसको यूज़ करके अपना जो MI अकाउंट उसको लॉग इन करना होगा। और वहाँ पर जैसे आप अनलॉक पर क्लिक करोगे यहाँ पर कुछ आपको टाइमर दिया जाएगा कुछ घंटों के लिए, तो लगभग 16 से 20 घंटा का या फिर 2-3 दिन तक अब जो टाइमर है उसको दे दिया जा सकता है। तो सभी का अलग अलग होता है तो आप लोग वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइम आपको जो है टाइमर दिया जाता है, बाकी टाइम जब अनलॉक करोगे आप तो वहाँ पर आपको कोई टाइमर नहीं मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा भाई, बिल्कुल भी अपने फ़ोन के अंदर छेड़छाड़ मत करना इन चीज़ों को देख के। कोई भी वीडियोज़ जो है काम नहीं करते, सभी चीज़ें आपको फेक मिलते हैं, फ़ोन से आप बूट लोडर को अनलॉक नहीं कर सकते हो। तो यही था आपको बताना, यही था वीडियो। चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में।